Hello everyone, welcome to my channel Edu to Fly. In this video, we are going to study the perfect competition. So, before starting the perfect competition, let us understand the concept of market. Ordinarily, market का मतलब क्या होता है? कि एक particular place जहाँ पे goods and services जो हैं वो purchase and sold किए जाते हैं. लेकिन economics में इसका जो meaning है वो wider perspective में हम देखते हैं. क्योंकि economics में market जो है वो एक particular place से related नहीं है. That is related to the whole area जहाँ पे buyers and sellers of a product are spread जो फैले पड़े हैं वो लोग. अब हम market structures की बात करते हैं. अगर market forms या फिर structures एक ही बात है तो basically mainly चार ऐसे market structures हैं. Perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. इस वीडियो में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है? एक ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है, कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है और बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की. तो ये जो मैंने टर्म्स बोली है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, ये होता क्या है? तो ये हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में परफेक्ट कंपटीशन की पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन का है कि बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स होते हैं इस मार्केट में और एक पर्टिकुलर बायर और एक पर्टिकुलर का शेयर पूरे मार्केट में इतना कम होता है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस और आउटपुट को. अगर हम दूसरे वर्ड में देखें तो एक इंडिविजुअल सेलर और एक इंडिविजुअल बायर इज अनएबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स सप्लाई और डिमांड. अपनी सप्लाई बढ़ा के डिक्रीज करके या डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करके वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ही हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एज फिक्स्ड फॉर द होल इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री सेट कर देगी प्राइस उसको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, वही चार्ज करना पड़ेगा, उसी प्राइस को पे करना पड़ेगा फॉर परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होता है दैट इज अ प्राइस टेकर. इसको हम और डिटेल में देख सकते हैं अगर हम ये दोनों ग्राफ्स देखें. तो फर्स्ट ग्राफ इज द मार्केट ग्राफ एंड सेकेंड ग्राफ इज द फर्म. अब फर्स्ट ये जो मार्केट का ग्राफ है इसको हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री का भी ग्राफ है. अब यहां पे हम देख रहे हैं डी और एस मींस ये डिमांड, ब्लू कलर का जो है ये डिमांड का कर्व है, एस जो है वो सप्लाई का कर्व है. जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हमें क्या मिल जाता है, प्राइस. अब इंडस्ट्री ऐसे ही सेट करती है प्राइस बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब जो ये प्राइस सेट हो गया है वो फर्म अपना लेता है और उसी पे जो है सेलर्स बेचते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, उसी पे प्राइस पे जो बायर्स है वो परचेज करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स. इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स को फ्रीडम होती है पूरी, कभी भी वो लीव कर सकते हैं और कभी भी वो एंटर कर सकते हैं इंडस्ट्री में. नेक्स्ट इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और सेल करता है होमोजीनियस प्रोडक्ट so that no buyer has any preference for the product of any individual seller over the others. यहाँ पे जो firms हैं homogeneous product means एक जैसे product sell करते हैं, same product sell करते हैं ताकि किसी भी buyer की preference ना हो सके किसी individual sellers के प्रति. commodities यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि salt, wheat, cotton, coal, ये सारी markets जो होती हैं इनमें homogeneous nature होता है. अब जो सेलर है इसी की वजह से होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से अपना प्रोडक्ट का प्राइस रेज नहीं कर सकता. अगर वो करता भी है ऐसा फिर भी तो वो कस्टमर्स क्या करेंगे, उसकी दुकान को छोड़ के उसकी शॉप को छोड़ के वो किसी और शॉप पे चले जाएंगे क्योंकि सारी जो शॉप्स है उस एरिया में वही सेल कर रही है. एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर क्या है कि कंप्लीट ओपननेस है इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड. कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सेलर्स जो है वो फ्री टू सेल देयर गुड्स हैं और जो बायर्स हैं वो फ्री है टू बाय फ्रॉम एनी सेलर. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स. इसके अंदर क्या है, गुड्स हो चाहे वो फैक्टर्स हो, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा. सो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो फैक्टर्स हो, दीज आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब लेबर जो है वो भी मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि उसको किसी इंडस्ट्री में उसको लग रहा है मेरी कम सैलरी है तो वो किसी हाई पेड इंडस्ट्री में जा सकता है, तो परफेक्ट मोबिलिटी है.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज की, परफेक्ट नॉलेज क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स को पूरी नॉलेज है कौन से गुड्स किस प्राइस पे बेचे जा रहे हैं, कौन से गुड्स मुझे किस प्राइस पे खरीदने हैं, ठीक है, तो उनको परफेक्ट नॉलेज होती है। और परफेक्ट नॉलेज की वजह से ही जो है हमारा डिमांड और सप्लाई के ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करते हैं और वहां से हमारा मार्केट प्राइस निकल के आता है। नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हमने अभी देखा, क्या देखा कि परफेक्ट मोबिलिटी है गुड्स की, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब जब वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाएंगे तो कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी? नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ये एक एसेंशियल कंडीशन है कि कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है अगर किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करते हैं हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में, तो होमोजेनियस कमोडिटी का जो है वो डिफरेंट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो डिफरेंट होगी ना। अगर मुझे किसी एक प्रोडक्ट को दिल्ली लेके जाना है या उस प्रोडक्ट को मुझे कोलकाता लेके जाना है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें ऐड होके उसका प्राइस ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो है वो सेम रहता है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि सारे के सारे फर्म्स होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।